हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आई ए एस जोग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिकल जोग्राफी के डिस्कशन को अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन जोग्राफी के लगभग सारे ही टॉपिक्स को देख लिया है तो ह्यूमन ज्योग्रफी आप लोगों की कंप्लीट हो गई है यू हैव टू जस्ट गो थ्रू विद इट एंड रिवाइज़ इट सेकेंडली पेपर टू को भी हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं इट इज़ ऑन गोइंग और उसमें कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं जो डिस्कशन करने हैं और उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक एग्रीकल्चर का टॉपिक हो गया या फिर अभी पॉपुलेशन सेटलमेंट और एथनिक कल्चर काफ़ी कुछ टॉपिक उसमें डिस्कशन को रह गए हैं तो उसको हम लोग पैरलि करते रहेंगे साथ ही साथ हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के भी डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं ये डिस्कशन फ़िलहाल आज एक सिलेबस का केवल और केवल हम लोग ओवरव्यू देखेंगे तो दिस इज सिंपली एन इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल ज्योग्राफी नथिंग एल्स इसके अलावा कुछ जो भी बातें हैं वो हम लोग यहाँ पर करेंगे बिफोर स्टार्टिंग दीज आर आवर कोर्सेज वेयर यू कैन फाइंड स्टडी मटीरियल एज वेल एज सीरीज एंड एडवांस जोग्राफी कोर्सेस जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक और मैगजीन्स के एडवांस कंसेप्ट को डिस्कस किया जाएगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स एग्जामिनेशन फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ड्रॉप ई मेल ऑन रिकोगशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम जहाँ पर आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी सिलेबस वाइज सबसे पहले देख लेते हैं हमारी जियोमॉर्फोलॉजी क्या क्या है अकॉर्डिंगली हम लोग आगे के टॉपिक्स लाइक क्लाइमेटोलॉजी या फिर ओशनोग्राफी बायोजियोग्राफी एंड एन्वायरमेंट इनके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी मैं कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने रेस किए हुए हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स मैं उनको नहीं ले रहा हूँ बिकॉज द टॉपिक इज नॉट रिलेवेंट फॉर दोज मैसेजेस तो इस वजह से वो अभी फ़िलहाल नहीं लिए जाएंगे अभी अगर हम लोग सिलेबस के बारे में देखें तो फर्स्ट थिंग दैट इज़ देयर इन द जूमोरफोलॉजी इज़ फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं लैंड फॉम डेवलपमेंट के बारे में दिस लैंड फॉर्म डेवलपमेंट बेसिकली क्या चीज़ है लैंड फॉर्म के बारे में हम लोग यहाँ पर माउंटेन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे इसके अलावा प्लेटूज प्लेन्स एंड ऑल दैट जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका किस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है या फिर आगे क्या होता है तो माउंटेन बिल्डिंग एंड माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करना होगा इसके अलावा कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू भी हम लोग जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे लाइक like रिवर हो गया या फिर ग्राउंड वाटर हो गई कैल्शियम रिच रीजन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटे लैंडफॉर्म बनते हैं उसको डिस्कशन करना होगा तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं विंड हो गया एंड ऑल दैट ये टॉपिक मोस्टली लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि 80 टू 90 परसेंट इसका कंटेंट जो है जो आप जीएस में ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है 10 टू 20 परसेंट मैंने इसे इग्नोर इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी छोटे मोटे एडवांस कंसेप्ट आ जाते हैं लाइक रिवर रिजुविनेशन हालाँकि कुछ लोग इसे जीएस में भी कवर करते हैं बट इट इज़ एक्चुअली अ टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल तो इस वजह से टेन टू ट्वेंटी परसेंट हम लोग यहाँ पर अलग इसको रख रहे हैं अदरवाइज सारा जो कंटेंट है आपका वही जी का ही टॉपिक है और वही सारे रेफरेंस बुक्स जी सी वगैरह आपको यहाँ पर रेफ़र करना है आई एम राइटिंग द बुक ऑल्सो दिस इज जी सी लियोन्ग फॉर हीयर ठीक है इसको आप रेफर कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके अलावा देखिए इंडो एंड एग्जो फोर्सेस के बारे में है तो आप लोगों ने एन पढ़ा होगा उससे एन में बहुत ही एक अच्छा क्लासिफिकेशन किया गया है रिगार्डिंग द फोर्सेस जो कि डायस्ट्रोफिज्म के और सडन फोर्सेस इस तरीके से डिस्कशन किया गया अलग अलग जहाँ पर एपिरोजेनिक फोर्सेस और ओरोजेनिक फोर्सेस मतलब कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक अलग अलग फॉर्मेट में से डिवाइड किया गया है तो यू कैन गो थ्रू विद इट इसके अलावा हम लोग कुछ और भी फोर्सेस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जैसे आइसोस्टैटिक फोर्सेज हो गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज हो गया प्रेशर फोर्स हो गया तो कुछ और भी अलग अलग फोर्सेज हैं विच इज़ नॉट देयर इन द एनसीआर उसको हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे तो अगेन यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जैसे सेवेंटी टू एटी परसेंट यहाँ पर भी आपका टॉपिक जो है वो जी का ही है बस यहाँ पर ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट हमें एक्स्ट्रा और पढ़ाई करनी होती है इन द ऑप्शनल सेक्शन नेक्स्ट थिंग इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट अब देखिए इस अर्थ क्रस्ट में अगेन जो एन सी ई आर टी है दैट इज द बेस्ट बुक टू रेफर लेकिन यहाँ पर भी अगेन कुछ चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मिसिंग है जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉन्डर ग्रास मॉडल हो गया या फिर ऑथर होम बहुत सारे और भी मॉडल्स हैं जो कि एन में नहीं दिए गए हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि थर्टी परसेंट ही केवल यहाँ पर आपके जी का सेक्शन आएगा सेवेंटी परसेंट आपको अगेन अलग से ऑप्शनल की स्टडी में देखना होगा नेक्स्ट वन इज जियो के बारे में है तो जियो दिस इज सिंपली जी का टॉपिक एंड दिस यू कैन से हंड्रेड परसेंट यहाँ पर जो होता है जियो आ, मतलब कि जोग्राफी जी वाली ही आ जाएगी यहाँ पर कोई अलग कंसेप्ट नहीं है अगर आप जियो मैग्नेटिज्म में काफ़ी अच्छे से अगर पढ़े होंगे द एंगल ऑफ डेप या फिर जितने भी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं अगर आप उसे रेफर किए होंगे तो दिस वुड बी वेरी ईजी एंड uh, काफ़ी सिंपल हो जाएगा यहाँ पर आपको गो थ्रू करना नेक्स्ट थिंग इज फिज़िकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर में वही अगेन क्रस्ट मेंटल कोर इनके बारे में डिस्कशन करना होगा यहाँ पर भी हमारे पास कुछ अलग अलग मॉडल्स होते हैं लेकिन ये भी मॉरलेस जीएस का ही टॉपिक है तो इसमें भी कुछ खास हमें अलग से देखने की जरूरत नहीं है यू कैन से अगेन एटी टू नाइन्टी परसेंट इज द जी एस का सेक्शन टेन टू ट्वेंटी परसेंट अलग से हमें चीज़ें देखनी होंगी दैट वी विल सी इन दिस वीडियो नॉट दिस वीडियो इन द अपकमिंग वीडियोज नेक्स्ट वन इज जियो सिंक्लाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जनरली जी एस में इसे या तो नहीं पढ़ाया जाता है या फिर केवल सरफेशियल पढ़ाया जाता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे आर वी हैव टू डिस्कस इन दिस ऑप्शनल सेक्शन तो दिस इज़ यू कैन से कि एटी टू नाइन्टी परसेंट यहाँ पर ये यह ऑप्शनल का टॉपिक है यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस करने होते हैं जैसे एडवर्ट्सवेस्ट मॉडल हो गया या फिर कोबर का मॉडल हो गया तो वी विल डिस्कस इट हियर काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्कशन करने को एंड दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मीन्स दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू कैन नॉट सिंपली स्केप इट ओके नेक्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक अगर आपने अगेन एन सी आर टी रेफर किया होगा तो दिस इज वेरी ब्रिलियंटली यहां पर जो है डिस्कशन किया गया है और यह कहूंगा मैं कि दिस इज सफिशियंट दिस इज सफिशियंट फॉर इवन इन दिस थिंग ऑल्सो तो यहां पर आप चीज़ों को कर सकते हैं और uh, यहां पर आप कह सकते हैं कि हंड्रेड परसेंट आप रेफर कर सकते हैं अपने एन सी आर टी को ही और उसके ही डिस्कशन को यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो आती है एसो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एंड दिस इज़ टॉपिक ऑफ ऑप्शनल ये पूरी तरीके से यू कैन से 90 परसेंट जो टॉपिक है यहाँ पर ऑप्शनल का टॉपिक है आइसोस्ट्रेसी में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मॉडल्स के बारे में बात करेंगे लाइक एरीज मॉडल प्राट्स मॉडल डिफरेंट डिफरेंट मॉडल देखेंगे वी हैव फोर मॉडल्स टू डिस्कस इट हियर चार चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाई वन करके इसके अलावा देखिए रिसेंट व्यूज ऑन द माउंटेन बिल्डिंग अब ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हम लोग कुछ तो हम लोग जियो सिंक्लाइन में डिस्कस किए होंगे और कुछ हम लोग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट में डिस्कस किए होंगे लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंट व्यूज़ दैट मीन्स जो भी रिसर्च चल रही है वो आपको पता होना चाहिए एंड दिस इज़ अगेन सुपर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो नए क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो जियोमार्फोलॉजी से रिलेटेड होते हैं जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं नहीं पढ़े होते हैं या फिर वो स्किप हो रहा होता है या फिर आपको आइडिया नहीं लग पाता है तो दिस इज़ द रिसर्च एंड दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट अगेन क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि आएगा ही आएगा दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अच्छा वन सेकेंड यहाँ पर रिसर्च में uh, हम लोग कौन सी बुक को रेफर करें तो देखिए यहाँ पर एज सच कोई आपको डायरेक्टली बुक मिले दिस इज वेरी रेयर बट यू कैन रेफर थॉर्नबरी हियर आप यहां पर थॉर्बरी को रेफर कर सकते हैं दिस इज़ वेरी गुड बुक एंड uh, इसके अलावा मैं कहूँगा कि आप uh, जो भी मैगजीन्स आती हैं यू कैन रिफ़र टू द मैगजीन्स ऑल्सो और यू कैन सिंपली गो थ्रू विद द इंटरनेट और यहाँ पर जितने जर्नल्स होते हैं उस जर्नल के थ्रू भी आप जा सकते हैं तो यहाँ से आप एपस्ट्रैक्ट को पढ़ करके आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर देयर इन द रिसर्च एंड यू जस्ट सिंपली हैव टू रीड द एब्सट्रैक्ट पार्ट दैट इज़ ओके उसके अलावा कुछ भी आपको एस सच डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप उस जर्नल को जो होता है परचेस कर रहे हैं एंड यू स्टार्ट रीडिंग पेज बाई पेज वो काम आपको नहीं करना है यू हैव टू रीड द एब्सट्रैक्ट पार्ट दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं नेक्स्ट थिंग वुलकेनि अर्थक्वेक एंड सुनामी का सेक्शन आता है एंड दिस इज प्योरली हंड्रेड परसेंट जी का टॉपिक कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है सच जो हमें इस ऑप्शनल में डिस्कस करेंगे दिस इज सिंपली अ जी टॉपिक और uh, जनरली सिविल्स में अब नहीं पूछा रहा बट स्टेट पी में अभी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक पे एक क्वेश्चन बट ये जो अर्थक्वेक होगी ऑब्वियसली वो किसी ना किसी रीसेंट डेवलपमेंट पे होगी ये रीसेंट डेवलपमेंट क्या हो सकती है एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ न्यू फॉल्ट के बारे में अभी जानकारी हुई है जैसे तूथिंग फॉल्ट हो गया जो कि अरुणाचल uh, प्रदेश में है सिमिलरली हमें कुछ फॉल्ट्स भी मिले हैं नागालैंड में एंड मणिपुर में तो हो सकता है कि इस तरीके से पूछा जा सकता है वहाँ पर वॉट एग्जैक्टली इज द रीज़न बिहाइंड द फॉल्ट देयर एंड इस तरीके से कुछ ना कुछ रेफरेंस लेकर के वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो बी रेडी विथ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन अगेन वी विल डिस्कस इट एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स तो आपको ऐसा चीज यहाँ पर कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट थिंग कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई वुड से दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली इसके अलावा लैंडस्केप डेवलपमेंट जनरली लैंडस्केप डेवलपमेंट लोग ये पढ़ के चले जाते हैं बट ये छोड़ देते हैं और क्वेश्चन इसी टॉपिक से मेनली पूछा जाता है क्योंकि ये अगेन जो है वो रिसर्च का टॉपिक एंड यू कैन से सिंपली दिस इज अ अपलाइड जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये इसके अलावा डिनोडेशन क्रोनोलॉजी स्लोप डेवलपमेंट ये सब यहाँ पर आपको पढ़ना होता है जहाँ पर आप पेनी प्लेन पेडी प्लेन पैन प्लेन इनके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं अलग अलग लोगों जैसे कि डेविस का मॉडल हो गया पेंक का मॉडल हो गया किंग का मॉडल हो गया तो हम लोग इन सारे मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे इसके अलावा देखिए चैनल मॉर्फोलॉजी के बारे में है दिस इज़ रिलेटेड विद द रिवर लैंड फॉर्म डेवलपमेंट इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे दिस इज अगेन वेरी सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्टली हमारे पास इरोजन uh, सरफेस और स्लोप डेवलपमेंट का टॉपिक आता है और हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे अप्लाइड जियो जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू रिसर्च न्यू डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है जियोमॉर्फोलॉजी के लिए अगर आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में तो फिजिकल ज्योग्राफी का मैं कहूँगा कि फिफ्टी अपने आप में जियो ही है और काफी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एंड इट रिक्वायर्स फिजिक्स की नॉलेज तो आपको अगर फिजिक्स की नॉलेज होगी तो आप इजीली इसे समझ सकेंगे एंड इन इनफैक्ट जो हम लोग डिस्कशन भी करेंगे वी विल ट्राई टू एक्ूमुलेट दोज फिजिकल नॉलेज जैसे कि आर्कमेटीज का प्रिंसिपल हो गया या मैग्नेटिज्म में जब हम लोग बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज देयर इन द क्लास ट्वेल्थ इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड विल ट्राई टू डिस्कस ऑल द डिटेल्स बिहाइंड इट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं डिस्कशन करना चाहूँगा लेट मी फर्स्ट इरेज इट एंड देन ओके नाउ वॉट हाउ विल वि डिस्कस जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरे के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई हैं कि यहाँ पर अगर एक एवरेज लें तो नीयरली फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट यू कैन से कि द टॉपिक इज़ रिलेटेड विद जी एस ठीक है तो वॉट वी विल डू वी हैव जी एस वीडियो जी एस जोग्रफी वीडियो ऑन यूट्यूब एंड वॉट वी विल डू वी विल पुट दोज वीडियोज इन टू द प्ले लिस्ट सेक्शन एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विज इट कर भी सकते हैं आप गो थ्रू या फिर अगर आप अपने जीएस जोग्राफी में डेवलपमेंट मतलब की पढ़ाई की होगी तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं नथिंग एल्स इन द नेक्स्ट सेशन वॉट वी विल डू वी विल फर्स्ट रिवाइज दोज थिंग्स ठीक है इसके अलावा जो भी ऑप्शनल के टॉपिक्स हैं उनको फिर यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे दिस इज द स्ट्रेटजी. अब यहाँ पर आपको देखिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ फिजिकल ज्योग्राफी इज लाइक अ ओशियन बहुत बड़ा टॉपिक होता है एंड देर इज लॉट मोर थिंग्स टू डिस्कस विच इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस इन द लेक्चर तो आपको अगर आप कोई बुक को रेफर कर रहे हैं लाइक सम बड़ी सम में सम स्टूडेंट्स में रेफ़र सविंदर सिंह कुछ लोग रूपा मेट सिंपल कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आप लोग रेफ़र कर सकते हैं आप उसे गोथरू में जाइए पढ़िए उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इफ़ यू डू नॉट गेट एनी पर्टिकुलर कंसेप्ट कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन सिंपली ई मेल एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उस टॉपिक का नाम बता दीजिए और यू कैन सिंपली कमेंट इट हियर ऑल्सो और उसको हम लोग नेक्स्ट जब भी क्लास लेंगे इन द रिविजन मॉड्यूल वी विल फर्स्टली डिस्कस दोज कंसेप्ट एंड देन वी विल गो बियॉन्ड दिस जो भी डिस्कशन करना होगा उसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वन बाय वन बुक का मतलब पेज बाई पेज वर्ड टू डिस्कस किया जाए दिस इज़ नॉट पॉसिबल हियर इसके लिए आपको अलग से एडवांस ज्योग्राफी को जो है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं बट स्टिल दैट इज नॉट द मोटिव हियर। बट अगर आप कोई एज सच पॉइंट रेज करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस दैट ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए इसके अलावा थर्डली यहाँ पर कंसेप्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय थ्यूरी के तो थ्यूरी यू कैन सिंपली राइट कोई दिक्कत नहीं होगी कंसेप्ट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे पढ़ने के लिए समझने के लिए फिजिकल जोग्राफी में दिस इज द थिंग यूज़ हैव टू कलेक्ट द कंसेप्ट और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है जो थ्योरी होगी वी विल डिस्कस दोज थ्योरीज ऑल्सो बट वी विल फोकस मेनली ऑन कंसेप्ट बिहाइंड इट ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए अगर आप किसी बुक को भी रेफर कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को भी समझ सकें आसानी से फोर्थ हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन को रेगुलरली इसे देखते रहेंगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स पूछे गए हैं जो कि बियॉन्ड द स्टडी है जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे कोई बुक रेफर कर रहे होंगे बट आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई होगी आइडिया नहीं लग रहा होगा कि फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन हैज़ बिन पिक्ड तो इसके लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन के लिए भी हम लोग रेगुलरली इसको देखते रहेंगे वॉट यू कैन डू यू कैन सिंपली राइट योर आंसर एंड सेंड योर आंसर फॉर फीडबैक कहाँ पर आप भेज सकते हैं यू कैन ज ऑन ई मेल रिकोगशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम पर आप इसे सेंड कर सकते हैं ठीक है फिफ्थ थिंग जो आपका पेपर टू का डिस्कशन है वो पैरली चलता रहेगा एंड वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कंप्लीट इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर नवंबर के फर्स्ट वीक तक अगर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा सेक्शन तो काफी अच्छा हो जाएगा बिकॉज यू विल गाइज विल गेट एनफ टाइम सफिशियंट टाइम टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स इन सब चीजों को आप कर सकते हैं स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन सिंपली राइट ई मेल टू अर्ज और यू कैन कमेंट हीयर तो आप ई मेल करिए दैट विल बी प्रेफर्ड और कमेंट uh, को कमेंट के लिए गो थ्रू इतना हमारी तरफ से भी नहीं हो पाता है तो आप ई मेल किए रहिएगा ई मेल से ज़्यादा क्लैरिटी uh, भी रहती है और आराम से उस चीज को देखा भी जा सकता है और उसके कंसेप्ट को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में ले भी सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिंपल स्ट्रैटेजी या फिर इंट्रोडक्शन जो भी आप बोलना चाहें इसे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस ओके वन थिंग एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है देखिए यहाँ पर कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी डिस्कशन है लाइक like सन हो गया या फिर डेवलपमेंट ऑफ द प्लानेटरी सिस्टम हो गया अलग अलग मॉडल्स हैं जैसे बाइनरी स्टार मॉडल है ट्राई स्टार मॉडल है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं हालांकि दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस डायरेक्टली यह हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है लेकिन स्टिल बुक्स में होती है एंड इन द मटेरियल्स आल्सो ये पढ़ाया जाता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल दिस कंसेप्ट आल्सो तो इसके लिए हम लोग लास्ट में इसको रेफ़र करेंगे ठीक है तो आप इसको लेकर के परेशान मत होइएगा कि ये चीज़ टॉपिक हमारा छूट गया है नो no, कुछ भी ऐसा छूटा नहीं है हम लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे बट उसकी प्रायोरिटी को देखते हुए करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट ए सच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ नॉट डायरेक्टली बीन इंक्लूडेड इन टू द सिलेबस तो हम लोग इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे क्या कुछ है फिलहाल के लिए दिस इज़ ऑल और अगर आपको कोई डाउट होता है तो ऑबियसली यू कैन रेफर दीज चैनल्स uh, uh, आप हमें कमेंट कर सकते हैं ऑन जी मेल पर आप राइट कर सकते हैं अपने ई मेल लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहाँ पर भी जा करके उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्रॉम देयर यू विल गेट ऑल द अपडेट्स एंड जो भी चीज़ें होंगी जो भी डिस्कशन जो भी अनाउंसमेंट होती है यू विल गेट दोज अनाउंसमेंट फ्राम टेलीग्राम चैनल तो टिल देन गुड बाय एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल जोग्राफी के डिस्कशन के साथ टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो तो मच तो 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 तो